आप सभी लोग देख रहे होंगे कि कुछ समय से आपके नेपाल जो आपका पड़ोसी है उसमें उठापटक चल रही है, राजनीतिक उठापटक या फिर कह सकते हैं आप लोग कि राजनीतिक संकट छाया हुआ है वहाँ। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब आपके पड़ोसी के यहाँ अगर इस तरह की उठापटक चल रही हो तो आप भी चिंता में पड़ जाते हैं, तो हमारी भी चिंता बढ़ जाती है। और वैसे अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का कल जो बहस चल रही थी किसान आंदोलन को लेकर, इन तीन कृषि कानूनों को लेकर, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, क्या कहा है, कि अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो इसका प्रभाव यानी कि इसके लिए जिम्मेदार मैं भी हूंगा, मुझ पर भी प्रभाव पड़ेगा इसका, मेरे भी सम्मान पर एक तरह से आप कहिए दाग लग सकता है। इसीलिए आप देखते हैं कि इस तरह से सरकार को फटकार भी लगाई है कल सुप्रीम कोर्ट ने, और किसानों को काफी सहूलियत देने की बात भी की जा रही है। समझ रहे हैं आप लोग, कोई एक जिम्मेदार नहीं होगा। अगर आप सोचिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड बनता है क्योंकि किसान किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं है, ये आप सभी लोग जान चुके हैं। अगर टकराव होता है, कुछ उल्टा सीधा होता है, तो इसके लिए हर कोई जिम्मेदार होगा, क्योंकि आप जानते हैं एक किसान वही है जिसकी वजह से आपकी थाली में जो रोटी खाते हैं ना वो आती है, और आप देखते होंगे उसका एक बेटा घर में खेती करता है और दूसरा बेटा उसका जवान होता है जो सीमा पर लड़ता है, आपकी रक्षा करता है। तो आप समझ सकते हैं, शायद मुझे लगता है कि अगर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश बिहार के किसानों से आप लोग जो हरियाणा और पंजाब के किसान हैं उनकी तुलना करोगे तो मुझे लगता है आप लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बुंदेलखंड के किसानों की क्या हालत है दुनिया जानती है, और पंजाब और हरियाणा के किसान क्या है दुनिया जानती है। उनके बच्चे VIP स्कूलों में पढ़ेंगे, उनके बच्चे विदेशों में रहते हैं, विदेशों में नौकरियां करते हैं, बिजनेस करते हैं, और हमारे यहाँ के बुंदेलखंड के किसान क्या करते हैं, आए दिन सुसाइड करते हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं, अंधभक्ति करते हैं, गुलामी करते हैं। तो इसका फर्क आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि शिक्षा का स्तर क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, दोनों की इस तरह की आपको जब भी आपको दोनों में अंतर समझना हो तब इस तरह की तुलना करके आप लोग आराम से समझ सकते हैं। जैसे हमें अपने देश के बारे में और अमेरिका के बारे में सोचना है कि कौन सा मजबूत है, तो जो इंडेक्स निकलते हैं आप देखते हैं ना, सूचकांक निकलते हैं, तो उनकी तुलना कर लिया करिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि कौन देश बेहतर है, किस क्षेत्र में बेहतर है। ठीक है, तो ये है हमारा हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप लोग देखेंगे तो एसी आपको यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत हो गया, इसमें आपको श्रीलंका आपका पड़ोसी, यहाँ है ये म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ये हमारे पड़ोसी हैं। आज बात करनी है हमें नेपाल की, किसकी, नेपाल की। ठीक है, इसकी देखिए यहाँ क्लियर दिख रहा होगा कितने राज्यों की सीमा लगती है, एक तो उत्तराखंड लगता है, फिर उत्तर प्रदेश देखेंगे, यहाँ बिहार भी आपको देखने को मिलेगा और सिक्किम भी देखने को मिलेगा और यहाँ पश्चिम बंगाल भी आपको यहाँ थोड़ी सी सीमा दिखाई दे रही होगी। तो इनके बारे में याद रखा करिए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि उत्तर प्रदेश की नेपाल से सीमा लगती है या नहीं, बिहार की लगती है या नहीं, या पश्चिम बंगाल की लगती है या नहीं, सिक्किम की लगती है या नहीं, ये पूछ ले या कि कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो इन सब के बारे में याद रखा करिएगा, सभी देशों के बारे में याद रखना है आपको जो हमारे पड़ोसी है। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा अपने देश की संसद को भंग करने के फैसले के बाद नेपाल में राजनीतिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नेपाली प्रधानमंत्री के अनुसार एनएडएच सत्तारूढ़ दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी में चल रही आंतरिक रसाकसी की पृष्ठभूमि में लिया गया है। देखिए आप लोग एक तरह से इसे अपने देश से समझ सकते हैं, मान लीजिए ऐसा ना हो, देखिए राजनीतिक उठापटक अच्छा नहीं होता है देश के लिए, समझ लीजिए कि अभी बीजेपी की है सरकार, आप लोकसभा और राज्यसभा तो आपकी स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होता है, लेकिन लोकसभा आपका भंग होता है। आप देखते होंगे 5 साल के बाद आपका चुनाव होंगे, इस तरह से होती रहती है, उससे पहले भी हो सकती है। तो अभी प्रधानमंत्री साहब या फिर आप राष्ट्रपति साहब कह दें कि इसे भंग करना है क्योंकि बीजेपी में ही कुछ फूट पड़ चुकी है, तो इसी तरह का आप देखने को मिलेगा आपको कि जो एनसीपी है वहां की नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बाद बीच में कुछ रस्साकसी चल रही है। पूर्व में नेपाल के राजनीतिक संगठनों में भारत द्वारा मध्यस्थता की भूमिका निभाने के कारण नेपाल में भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा मिला है और ऐसे में नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना कर भारत ने सही निर्णय लिया है। इस समय आप देखते हैं कि चीन की गोद में बैठा हुआ है नेपाल, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा किस तरह से बयानबाजी कर रहे थे प्रधानमंत्री यहाँ के भारत के खिलाफ, समझ रहे हैं आप लोग।
हालांकि भारत द्वारा ऐसी आशंकाएं व्यक्त की गई हैं कि नेपाल की यह राजनीतिक अस्थिरता नेपाली राजनीति में चीन के हस्तक्षेप में वृद्धि के साथ ही चीन के प्रति निकटता का भाव रखने वाली सरकार के गठन की संभावनाओं का विस्तार करेगी। सीधा तो कहने का मतलब यह है कि यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो चीन को समर्थन देती है अपना, हो सकता है कि उसके साथ इसका कोई लिंक हो जो नई सरकार बने। नेपाल पर चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए भारत को नेपाल के उन प्रमुख आर्थिक और सामरिक हितों पर ध्यान देना चाहिए जो नेपाल को चीन की ओर धकेलने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। क्योंकि अभी आप सभी को मालूम है कि नेपाल को ले लीजिए, बांग्लादेश की ले लीजिए, म्यांमार को ले लीजिए, पाकिस्तान को ले लीजिए, फिर चाहे आप लोग श्रीलंका को ले लीजिए, जितने इसके अच्छे संबंध आपके चाइना से हैं उतने हमसे नहीं है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तो एक तरह से गोदी में बैठा हुआ है किसकी, चीन की। बांग्लादेश में भी काफी योजनाओं पर काम कर रहा है चीन, ठीक है। नेपाल को भी आप जानते हैं, सबको जानते हैं। अगर भारत और नेपाल संबंधों में वर्तमान मुद्दे की बात करें तो वर्ष 1990 की संधि में संशोधन नेपाल द्वारा दोनों देशों के बीच 1950 में हुई भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि में संशोधन की मांग की गई और भारत ने इसे स्वीकार भी कर लिया था। हालांकि यह मामला अभी भी लंबित है क्योंकि नेपाल ने यह स्पष्ट नहीं किया कि भारत की सुरक्षा चिंताओं और नेपाल की विकास संबंधी आकांक्षाओं के बीच उचित संतुलन कैसे बनाया जाए। हालिया में आपने देखा होगा कि एक नया मानचित्र किसने जारी किया हुआ है, नेपाल ने भी। और आपने देखा है 370 हटने के बाद हमारे देश में भी आपने देखा है कि एक नया मानचित्र जारी किया गया, तभी से विवाद उठना शुरू हुआ। तो इसमें हालिया सीमा विवाद, कालापानी सीमा विवाद ने नेपाल में भारत की लोकप्रिय छवि को क्षति भी पहुंचाई है। इसका लाभ उठाते हुए नेपाल के वर्तमान नेतृत्व ने एक तरफा निर्णय लेते हुए एक नया मानचित्र जारी किया और जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पिया धुरा को नेपाल के हिस्सों के रूप में दर्शाया गया है। याद रखें कि भारत इन तीनों स्थानों को अपने अधिकार क्षेत्र का हिस्सा बताता है। ऐसे में इस सीमा विवाद के कारण भारत नेपाल संबंध इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। आप समझ सकते हैं कि जो नेपाल आपकी गोद में बैठा रहता था, आप पर पूरी तरह से निर्भर रहता था, आज आपसे दूरी बना रहा है और आप इतिहास यानी कि अभी तक के सबसे बुरे रिश्ते हमारे बने हुए हैं। चीन और भारत के बीच रस्साकसी की अगर बात करें हम लोग, तो नेपाल की भू रणनीतिक स्थिति भारत और चीन के बीच स्थित होना है ने भारत तथा चीन के बीच रस्साकसी की स्थिति पैदा कर दी है। चीन हाल में अपने खिलाफ उभरते अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बीच नेपाल को एक रक्षात्मक दीवार के रूप में देखता है। भारत के लिए नेपाल एक बफर राज्य के रूप में कार्य करते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखेंगे, यहां देखिए आपको दिखाई देगा कि नेपाल भारत, तो इस तरफ भारत आपको दिखाई देगा, इस तरफ चीन है, बीच में है, ठीक है, बफर जोन के रूप में, ठीक है। चीन का बढ़ता प्रभुत्व की अगर बात करें हम लोग, यानी कि चीन का पड़ रहा है इस क्षेत्र में प्रभाव, चीन और नेपाल के आर्थिक संबंधों में वर्ष 2015 से वृद्धि देखने को मिली, परंतु 2018 से नेपाल पर चीन के प्रभुत्व ने गति पकड़नी शुरू कर दी है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के गठन में चीन की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण वह एनसीपी की सरकार में अत्यधिक प्रभाव स्थापित करने में सफल भी रहा है। इसके परिणाम स्वरूप चीन नेपाल में सबसे बड़े निवेशक के रूप में भारत को बाहर करने में सफल भी रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के तहत नेपाल में एक चीन समर्थक विदेश नीति को मजबूती भी प्राप्त हुई है। और आपने देखा होगा कि श्रीलंका में भी चीन समर्पित एक समर्थित एक तरह से सरकार बनी हुई है वहां भी। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे चीन के प्रभुत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि नेपाल में हालिया राजनीतिक संकट को हल करने के लिए चीन अपने स्वकल्पित मध्यस्थ की भूमिका में सामने आया है। कहने का ये मतलब है कि आप समझिए, यहाँ जो राजनीतिक संकट चल रहा है इसके समाधान के लिए एक तरह से मध्यस्थ का काम कर रहा है, कौन, चाइना, चीन, ठीक है। आगे की राय क्या हो सकती है, अपने पड़ोस से में मित्रवत शासन की अपेक्षा करना अंतरराष्ट्रीय संबंधों की यथार्थवादी दुनिया में एक स्वीकृत स्थिति मान रहा है और यह नीति भारत पर भी लागू होती है। ऐसे में भारत को नेपाल के साथ अपने संबंधों को फिर से मजबूत करने का प्रयास भी करना चाहिए। और आपने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी क्या कहा करते थे कि हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, ऐसा नहीं है कि हम नेपाल को उठा के कहीं दूसरी जगह फेंका है, इसलिए हमारे पास विकल्प यही रहता है कि हमें इनके साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि पाकिस्तान हर बार अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, फिर भी हम लोग बात करने की पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि हम लोग पड़ोसियों से बिगाड़ के एक तरह से, आप अपने देख लीजिए कितना
कि एक तरफ आपका ये पड़ोसी से बुराई चल रही, दूसरी तरफ आपकी पड़ोसी से बुराई बुराई चल रही है। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो उसी तरह आपके दोनों पड़ोसी मिल जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा है कि चाइना से हमारी रस्साकसी चल रही है, और यहाँ आपने देखा होगा कि पाकिस्तान भी चल रही है, तो हम दोनों फ्रेंड से एक तरह से घिरे हुए हैं। तो हमें रिश्ते सुधारने में ही क्या है, भलाई रहती है हमारी। विवादित मुद्दों की पहचान, तो भारत लंबित विवादित मुद्दों जैसे वर्ष 1950 की संधि, काला पानी, सीमा विवाद, व्यापार और अन्य मामलों आदि पर कार्य करते हुए नेपाल के साथ अपने संबंधों में सुधार के लिए शुरुआत कर सकता है। हालांकि भारत को अपना पक्ष बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए और ऐसे लाल रेखाओं, चीन से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं का निर्धारण करना चाहिए जिन्हें नेपाल को नहीं लांघना चाहिए। और एक क्या है कि आप समझिए कि ये अंग्रेजों के समय की सीमाएं रही हैं, तो इसीलिए आप देखते हैं कि पाकिस्तान में विवाद चल रहा है हमारे बीच, आप देखते हैं चाइना में भी चलता रहता है, नेपाल से चल ही रहा है, कभी कभी आप देखते हैं बांग्लादेश से भी चलता रहता है। ठीक है, इन्हें हमें क्या करना चाहिए कि बहुत जल्दी समाधान कर लेना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हमारे रिश्ते बहुत गिरते उठते रहते हैं। आर्थिक उपाय की बात करें तो व्यापार एवं निवेश के मामले में भारत को और आर्थिक उदारता दिखानी होगी। नेपाल भारत से लगभग 8 बिलियन डॉलर के उत्पादों का आयात करता है, जबकि नेपाल द्वारा भारत को निर्यात किए जाने वाले कुल उत्पाद की लागत लगभग 1 बिलियन डॉलर से कम है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमसे खरीदारी ज्यादा करता है नेपाल, लेकिन हम लोग उनसे खरीदारी कम करते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट भी है एक तरह से नेपाल। हालांकि व्यापार घाटा अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर करता है, परंतु भारत अपने बाजारों में नेपाली वस्तुओं के प्रवेश के लिए रचनात्मक और क्रियात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए कार्य कर सकता है। साथ ही भारत द्वारा नेपाली निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जल विद्युत उत्पादन सहित ऐसे उद्योगों में भारतीय निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और 2500 बहुउद्देशीय परियोजना जैसे बड़ी विकास परियोजनाओं को पूरा करना भी दोनों देशों से संबंधों को नई गति प्रदान करने में सहायक हो सकता है। अगर सैन्य सहयोग की बात करें हम लोग, तो भारत और नेपाल के बीच सीमा विवादों को हल करने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच परस्पर विश्वास और समझ का होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि 2015 की आर्थिक नाकेबंदी के समय, जब दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व तनाव में थे, ऐसे में दोनों देशों की सेनाओं ने द्विपक्षीय वार्ताओं को शुरू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। दोनों देशों के बीच मजबूत सैन्य कूटनीति द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ रोटी वेटी एक तरह से समझ सकते हैं आप लोग कि हमारे यहाँ की कई शादियां नेपाल में भी देखने को मिले, लड़कों के कई लड़कियों की शादी भी देखने को मिलेगी, आपके देश में कई नेपाली काम करते हुए मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत हमारा लगा हुआ है, मित्र रहा है, एक तरह से भाई रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। वर्तमान में नेपाल की राजनीतिक अनिश्चितता के बीच द्विपक्षीय संबंधों में किसी भी महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना बहुत कम है। ऐसे में भारत को नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना को प्रोत्साहन करना चाहिए तथा अपनी लोकप्रिय छवि पुनः स्थापित करने का प्रयास भी करना चाहिए। यह नीति विवादित रणनीतिक क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने में भारत के लिए सहायक भी होगी। तो यही कहानी है आपकी, जो भी राजनीतिक उठापटक चल रहा है एक तरह से, किसके बीच, उनकी राजनीति के बीच। ठीक है, और याद रखिए इसके हम लोग भारत और नेपाल के संबंधों के बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, जब भी करंट में इस तरह का कोई टॉपिक रहता है उस समय आप लोग बात कर लेते हैं, तो देख लीजिए उसे। और क्या रहता है कि इस तरह के टॉपिक आप देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध बढ़ते हैं ना, जब आप लोग यूपीएससी में एक पूरा टॉपिक आता है तो कई बार इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लेगा कि अभी राजनीतिक उठापटक कुछ चर्चा में था नेपाल, किस कारण चर्चा में था, और भारत का इसमें क्या एक तरह से योगदान हो सकता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इनके बारे में करंट से जुड़ा रहा जुड़े रहा करिएगा, समझ रहे हैं आप लोग।